नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। लॉकडाउन से हमें कितना फायदा मिला है और इस मुद्दे पर अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिना तैयारी के लॉकडाउन लागू कर दिया गया। राहुल कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ पॉज बटन है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई राहुल और सोनिया गांधी जो कह रहे हैं वो सही है? आज तथ्यों पर हम इस पर सबसे बड़ी बहस करेंगे। लेकिन आज एक विश्लेषण उन लोगों का होगा जो लॉकडाउन के विलेन साबित हुए हैं। ये आर पार का बेहद नया प्रयोग है जिसमें हम लॉकडाउन के विलेन की तस्वीरों के जरिए विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि पूरा देश जब कोरोना से लड़ रहा था तो ये चंद लोग इस लड़ाई को फेल करने में जुटे हुए थे। लेकिन आज हमारे पास जमात वाले मौलाना साद पर बहुत बड़ी खबर है जिसका खुलासा अब से कुछ देर बाद मैं करूंगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कहां छुपा है मौलाना साद? उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आर पार में मौलाना साद का सबसे बड़ा सुराग कुछ देर बाद। बहुत बड़ी खबर। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास मौलाना साद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। कुछ देर बाद आर पार में मौलाना साद का सुराग। आर पार में कुछ देर बाद बहुत बड़ा खुलासा। मौलाना साद कहां पर है? आप कई जगह पढ़ होंगे, यहां पर हैं, वहां पर है, लेकिन मौलाना साद कहां पर है? ट्रैक डाउन कर लिया है न्यूज 18 इंडिया ने, आर पार ने। मैं उस खबर पे आऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज बातों से नहीं तथ्यों से शुरुआत करते हैं। इन आंकड़ों में दुनिया के कई देशों में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने की रफ्तार दिखाई गई है। सरकार की ओर से जारी इन आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में मात्र दो दिन में मरीजों की संख्या 16,000 से बढ़कर 32,000 हो गई थी, जबकि इटली में 5 दिन, स्पेन में 4 दिन और फ्रांस में मरीजों की संख्या मात्र 5 दिन में 16,000 से बढ़कर 32,000 हो गई थी, जबकि भारत में 16,000 से बढ़कर 32,000 की संख्या पहुँचने में 10 दिन लगे। इतना ही नहीं, कोरोना के हॉटस्पॉट जिलों की संख्या 15 दिनों में 170 से घटकर 129 रह गई। मात्र 0.33% कोरोना मरीज ही वेंटिलेटर पर है। यानी तथ्य साफ बता रहे हैं कि देश में लॉकडाउन का अच्छा खासा फायदा हुआ है और आंकड़ों के अलावा दुनिया के तमाम देशों ने भी लॉकडाउन पर मोदी सरकार की तारीफ की है। राहुल गांधी है वो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। तथ्यहीन बातें करना, झूठ बोलना, झूठ बोलकर भाग जाना, ये राहुल गांधी जी का स्वभाव रहा है। लेकिन कोरोना से इतनी पुख्ता जंग लड़ने के बाद भी कांग्रेस को लॉकडाउन में कमियां ही कमियां दिख रही हैं। राहुल गांधी को लगता है कि लॉकडाउन जैसा कदम नाकाफी है। सोनिया गांधी को लगता है कि सरकार ने बिना तैयारी के लॉकडाउन लागू कर दिया। सियासी विरोध तो ठीक है, लेकिन मुद्दा है कि क्या हम आंकड़ों से भी नजर हटा लें? और ये भी सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन से पहले ही पंजाब, महाराष्ट्र और ओडिशा ने लॉकडाउन कर दिया था और पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई ताजा बैठक में भी ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने पर जोर दिया था। तो सवाल है कि क्या लॉकडाउन पर कांग्रेस कोरी सियासत कर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लॉकडाउन पर आर पार। लेकिन एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं, कुछ देर बाद मौलाना साद पर बेहद बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा मौलाना साद के ऊपर। मौलाना साद कहां छुपा है? उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? आर पार में मौलाना साद का बहुत बड़ा सुराग। कुछ देर बाद बहुत बड़ा खुलासा। मौलाना साद पर बहुत बड़ी खबर। तबलीगी जमात का मुखिया है मौलाना साद। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर मौलाना साद पर अब से कुछ देर बाद न्यूज 18 इंडिया पर हम बताएंगे, बहुत बड़ा खुलासा। लेकिन अब एक अनोखा विश्लेषण, आज लॉकडाउन के विलेन का विश्लेषण, और इसमें आज हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीर नंबर एक,
हावड़ा कोलकाता की, देखिए वो कैसे व्यक्ति पुलिस वाले पर लात चला रहा था, कैसे भीड़ ने, देखिए उस व्यक्ति को कैसे लात चला रहा था खड़े होकर, स्टिल करिए उस शॉट को, देखिए तस्वीर नंबर एक वो है, कैसे वो व्यक्ति लात चला रहा था पुलिस वाले के ऊपर, देखिए उछल के लात मार रहा है। अब आगे बढ़ता हूं तस्वीर नंबर दो, तस्वीर नंबर दो पुणे के महाराष्ट्र की, देखिए किस तरह से क्वारंटाइन किए गए जाने पर पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। ये शर्मनाक तस्वीर है 26 अप्रैल की, ये लॉकडाउन के विलन है। तस्वीर नंबर तीन नजर डालते हैं, ये पुणे महाराष्ट्र की तस्वीर नंबर दो, तस्वीर नंबर तीन पर नजर डालते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश, क्वारंटाइन करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी गए, पुलिस गई, लेकिन उन पे पत्थर बरसाए गए, जिनका स्वागत फूलों से होना चाहिए, जिनका स्वागत प्यार से होना चाहिए, जिनका स्वागत दुलार से होना चाहिए, उनका स्वागत पत्थर से होता है। शर्मिंदा करती हैं तस्वीरें, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा तुड़ाई होगी इन लोगों की जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं। मैं बढ़ता हूं आगे, चौथी तस्वीर यह है जमात के लोगों की तस्वीर, जमात ने भी बहुत बड़े विलेन का रोल अदा करा है। अब पांचवी तस्वीर, और वो तस्वीर है जिस पर आज हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, यानी मौलाना साद की, लॉकडाउन का सबसे बड़ा विलेन। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा कुछ देर में होगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुधांशु त्रिवेदी, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस चर्चा में कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे, मेरे साथ नेता पीस पार्टी के शदाब चौहान, मुजीबुर रहमान है सदस्य तबलीगी जमात के, वरिष्ठ नेता जेडीयू के अजय आलोक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी। मैं सुधांशु सबसे पहले आपके पास आता हूं, लॉकडाउन का कितना फायदा हुआ कितना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज रघुराम राजन के साथ जो राहुल गांधी का संवाद हुआ या फिर कहीं इंटरव्यू हुआ उसमें बड़ी सारी बातें निकल के सामने आई। अजय आलोक, सेम क्वेश्चन फॉर यू, अजय आलोक। देखिए अमेश, ऐसा है ना कि एक कहावत है कि दुनिया के सारे इंटेलिजेंट आदमी एक सोच कभी नहीं रखते हैं, और चार इंटेलिजेंट मिलके कभी एक निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। रघुराज रामन और राहुल गांधी की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि रघुराज रामन तो खुद न्यूयॉर्क में रह रहे हैं आजकल, पूरी दुनिया कोस रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने अमेरिका में लॉकडाउन लगाने से देर किया इसलिए अमेरिका में इतनी बड़ी महामारी फैली, पर कांग्रेस तो नरेंद्र मोदी को कोस रही है। आज रघुराज रामन न्यूयॉर्क में, वही मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ, और आज अमेरिका में रह के वो भी डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे हैं, लेकिन साथ के साथ यहाँ के लॉकडाउन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो इसको क्या कहिएगा? इसको आप बुद्धिमत्ता का परिचय कहेंगे या मोदी के प्रति नफरत का परिचय कहेंगे या मूर्खता का परिचय कहेंगे? मूर्खता तो आप रघुराज रामन को कह नहीं सकते हैं भाई, बहुत इंटेलिजेंट गवर्नर थे आरबीआई के, इतने इंटेलिजेंट गवर्नर थे कि नाक के नीचे एक 1,45,000 करोड़ का एनपीए कर दिया, आज तक बैंक को एक सवाल तक नहीं पूछा, उन्हीं के रेजिम में बैंकों ने फोन टेलीफोन बैंकिंग करके लोन दी, एक नया इतिहास कैरी हुआ, लेकिन कभी रघुराज रामन ने बैंकों पे सवाल नहीं उठाए, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। तो आज की तारीख में अगर एक भी व्यक्ति राहुल गांधी के लॉकडाउन से फायदा नहीं हुआ, जाता हूं अजय आलोक, बुद्धि को, राहुल गांधी ने बोला बिना तैयारी के लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन केवल पॉज बटन है। राहुल चलिए ठीक है, पॉज बटन का ये डायलॉग तो हम लोग पिछले 20 दिन से सुन रहे हैं कि लॉकडाउन सिर्फ पॉज बटन है, तो राहुल गांधी जरा बता दें स्टॉप बटन कौन सा होगा? स्टॉप बटन भी हम लोग सबको ही जानते हैं कि स्टॉप बटन फिर वैक्सीन ही है, जो कि वैक्सीन आएगी जब आएगी, लेकिन बिना वैक्सीन के अभी और अभी करने का उपाय क्या था राहुल गांधी के पास, जरा उसका भी रोड मैप दे दें, तो हम लोग को कुछ लगे कि राहुल गांधी के पास ग्रे मैटर कुछ ज्यादा बढ़ गया है। मैं आलोचना नहीं ली, आज की तारीख में ये कहूंगा कि जो लॉकडाउन पे सवाल उठाता है उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पे कोई नहीं। जी अभय दुबे ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन पे सवाल उठाता है उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज एक संवाद हुआ, एक बड़ा संवाद हुआ जिसमें राहुल गांधी और फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, जाने माने इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं
रघुराम राजन की बातचीत हुई, उस पर हेट्रेड पे भी बात हुई, उसमें लॉकडाउन पे भी बात हुई, लॉकडाउन में आपको कमी क्या दिखती है, तैयारी कैसे करी जाएगी लॉकडाउन की, पंजाब में कैसे करी थी तैयारी, राजस्थान ने कैसे करी थी तैयारी लॉकडाउन की, बताइए जरा। देखिए अमीश देवगन जी, अजय आलोक जी अगर चाहते हैं कि चार मूर्खों को बिठाकर वो कोई निष्कर्ष पर पहुंच जाए तो ये उनका विवेक है। आज का ये समय नहीं है कि हम ऐसे किसी विषय पर बात करें जो विरोधाभासी हो। राहुल गांधी जी ने पहले दिन से ये बात साफ कही और आज भी वही बात कही, और अकेले राहुल गांधी जी नहीं, अगर आप देखेंगे तो WHO की चीफ साइंटिस्ट स्वामीनाथन, जो ICMR की हेड भी रही है, उन्होंने भी ये कहा कि भारत अगर ये घोषित करता है कि उसके आधे जिलों तक अभी कोरोना नहीं पहुंचा है तो इसका अर्थ है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है। जब आप अमेरिका की बात करते हो कि बहुत अधिक प्रकरण है, तो याद रखना चाहिए 63 लाख टेस्ट उन्होंने अब तक किए हैं और हिंदुस्तान ने 8 लाख टेस्ट किए हैं, हमने 1 मिलियन पर 602 टेस्ट किए हैं। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि इस लॉकडाउन का एडवांटेज अगर हमको लेना है, देश को लेना है, तो हमको टेस्ट कराने चाहिए, हमको उसके साथ साथ एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट कराने चाहिए, जिसका ऑर्डर मोदी सरकार ने 30 मार्च को दिया था और ICMR ने 4 अप्रैल को गाइडलाइन उसकी इशू की। मतलब एडवांस में सुनिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, लॉकडाउन कैसे प्लान हुआ मैं बताता हूं आपको। जो हिंदुस्तान के सुपर रिच हैं, 21 मार्च को कमर्शियल फ्लाइट बैन कर दी गई हिंदुस्तान में, लेकिन उसके एक सप्ताह पहले 102 फाल्कन 2000 चार्टर, जो हिंदुस्तान ने देखे भी नहीं है, 102 फ्लाइट में सुपर रिच लोग एक सप्ताह में हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन करोड़ों मजदूर सड़कों पर बेबस बेसहारा छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए कहा कि ये नियोजित नहीं था। लेकिन अबे दुबे जी, आप कह रहे हो कि लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन की तारीफ बिल गेट्स भी कर रहे हैं, दुनिया भी कर रही है, गैलप एजेंसी भी कर रही है, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी भी कर रही है कि लॉकडाउन से भारत को बड़ी मदद मिली है, इसलिए नरेंद्र मोदी सुप्रीम लीडर है। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन का तरीका गलत था, लेकिन दुनिया तारीफ कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया जिस दिशा में सोच रही है आपकी सोच वैसी नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, दुनिया के सारे साइंटिस्ट जो है वो ये बात कह रहे हैं। 3 प्रकार के कोरोना है हिंदुस्तान में, एक वो है जो एसिम्प्टोमेटिक है, हजारों लोग जो छोटे से नहीं, मैं आपसे नहीं, देखिए अब कोरोना के एक्सपर्ट भी आप ही बन जाएंगे, प्रवक्ता बन जाएंगे तो कैसे होगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं कि मैंने तो आपसे प्रवक्ता वाला सवाल पूछा कि आप बताइए, दुनिया लॉकडाउन की तारीफ कर रही है, आप कह रहे हैं लॉकडाउन गलत है, तरीका गलत है। नहीं नहीं, लॉकडाउन गलत नहीं अमीश जी, अमीश 5 सेकंड। स्ट्रेटेजिकली जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉकडाउन को कैसे अजय आलोक 5 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, दुबे जी से ये भी पूछ लीजिएगा, जरा दुबे जी से बस एक सवाल ये भी पूछ लीजिएगा कि अगर लॉकडाउन गलत है तो अधीर रंजन चौधरी जी ने तारीफ कैसे की, और लॉकडाउन अगर गलत है तो भारत सरकार से भी पहले पंजाब सरकार ने लॉकडाउन कैसे लगा दिया, क्यों लगा दिया? राहुल गांधी से पूछते नहीं है कैप्टन साहब क्या? ये भ्रांति जी, क्या जी, जी। लॉकडाउन प्लान नहीं किया ये कहा है राहुल गांधी जी ने, सोनिया वही तो पूछ रहा हूँ, पंजाब राजस्थान छत्तीसगढ़ ने कैसे प्लान किया था? अबे जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे बड़ा वाजिब सवाल, पंजाब राजस्थान छत्तीसगढ़ ने कैसे प्लान किया था, आप शेयर करिए उनका प्लान, हो सकता है सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी को वो प्लान ना पता हो, उन्होंने कैसे प्लान किया था? बहुत अच्छी बात, वहां का प्लान बेहतर कैसे है? देखिए बेहतर लॉकडाउन का प्लान, महाराष्ट्र का भी प्लान बताइएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पर हम लोगों ने शुरू से मजदूरों के लिए, न सिर्फ मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए भी एक सेंटर स्थापित किए हैं जो दूसरे राज्यों में इस दौरान फंस गए, क्योंकि रातों रात प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको अनाउंस किया था, हमने प्लान वे में किया, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस के राज्यों ने प्लान करके किया, देश में प्लान करके नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं, एक ऐसी चीज जो दुनिया में कभी नहीं हुई, लॉकडाउन कभी नहीं हुआ, कोरोना कभी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति आई, लेकिन कांग्रेस ने उसको प्लान कर लिया था, आप प्लान नहीं कर पाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, वैसे तो अभय दुबे जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, मगर अफसोस कि जब उनको राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को डिफेंड करना है तो उन्हें इस प्रकार के तर्क देने, मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं, पूरे विश्व में वो देश जो आर्थिक दृष्टि से और स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से हमसे कहीं आगे, उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किसपे किया? फ्रांस में 15 मई तक लॉकडाउन है, राहुल गांधी जी की ननिहाल इटली में कई महीनों से लॉकडाउन है,
और वहां के अखबारों में लिखा है सिर्फ लॉकडाउन की देरी की वजह से इटली में हालत हुई। ब्रिटेन में 3 सप्ताह का लॉकडाउन चल रहा है और आगे बढ़ने वाला है। अमेरिका में आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, वहां आज माना जा रहा सबसे बड़ी गलती लॉकडाउन न करना ही है। रही बात तैयारी की, ये तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोरोना तो बड़ा प्लानिंग करके पहले से आया था, महीनों पहले से पता था कि तैयारी कर लेते हैं। अरे भाई, जब कोरोना को महामारी घोषित किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, तो भारत में एक ही लैब थी जहां वायरोलॉजी की टेस्टिंग होगी। क्या कंपैरिजन अमेरिका से करते हैं, सिर्फ पुणे की लैब थी जहां पे उन लोगों के बीच की तुलना होती हो। तो कैसे आज हमारे यहाँ 350 से ऊपर लैब्स है जहां पे इस बात की टेस्टिंग हो रही। और फिर मैं एक और रोचक तथ्य दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने रघुराम राजन से ही क्यों बात की। रघुराम राजन जी का वर्तमान सरकार से कितना वैविध्यपूर्ण स्नेहपूर्ण संबंध रहा है वो तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी का भी एक बड़ा पर्सनल कनेक्शन है रघुराम राजन के, पारिवारिक कनेक्शन। रघुराम राजन के पिताजी गोविंद राजन राजीव गांधी जी के जमाने में रॉ के बड़े सीनियर ऑफिसर थे और राजीव गांधी जी के बहुत ही निकट, बहुत ही विश्वस्त थे। अभय दुबे जी को पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो अपने वरिष्ठ लोगों से पूछ लेंगे। तो राहुल गांधी जी के और राजीव गांधी जी के परिवार का गोविंद राजन और रघुराम राजन के साथ बड़ा आत्मीय संबंध है, 2 पीढ़ियों का 30-40 साल पुराना। तो स्वाभाविक रूप से आत्मीय संबंध है तो वह आत्मीयता का भाव यथार्थ के भाव पर भारी हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भी कई बार दिमाग से न बोलकर दिल से बोलने लगता है, बस इतनी सी बात है। अमीश जी 10 सेकंड दीजिए। जी 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 बोलिए बोलिए। देखिए अमित जी, मैं विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी को बताना चाहता हूँ कि 30 जनवरी को ही WHO ने हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया था इसको, और 12 मार्च को ऑफिशियली उन्होंने इसको पैनेडेमिक डिक्लेयर कर दिया। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने देश की सरकार को ये आगाह किया था कि एक बहुत बड़ी सुनामी है, हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अलर्ट तो किया था ये तो। अभय जी एक सेकेंड, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और सुधांशु आपसे भी है। राहुल जी ने अलर्ट तो किया था कि बहुत बड़ी सुनामी है, ये हम सबको पता है, ये तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ विश्व में पहले कहीं नहीं आई। अमेरिका लड़ाई हार रहा है, स्पेन हार रहा है, इटली हार चुका है, भारत लड़ रहा है, क्या करा जाए? बहुत सोल्यूशन बताइए ना। कही बहुत, आप बहुत तो अच्छी सवाल बात गिना रहे हैं कि सवाल नंबर एक ये, सवाल नंबर दो ये, सवाल नंबर तीन ये, अब क्या करेंगे? अब आप तरीका बताइए, जो लोग पत्थर मार रहे हैं उनका क्या करा जाए? अमित जी देखिए, जो लोग मलमूत्र त्याग कर रहे हैं उनका क्या करा जाए? ये सिस्टम को परेशानी है, तबलीग की परेशानी तो कांग्रेस की सरकारों को भी है ना। राहुल गांधी जी ने साफ कहा तबलीग पर के ना, साथ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर बोले, अमित शाह पर बोले, सब पर बोले, योगी आदित्यनाथ पर बोले, तबलीग पर भी तो कुछ बोलना चाहिए था कि तबलीग ने गलत करा। तबलीग पर चुप्पी क्यों है कांग्रेस की? बिल्कुल देखिए, सोनिया गांधी को नहीं बोलना चाहिए तबलीग पर, राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए तबलीग पर, प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं बोलना चाहिए तबलीग पर। विलेन है कि नहीं है वो लॉकडाउन के? अमित जी, रघुराम राजन से ये भी पूछा जाता कि ये तबलीग वालों के साथ क्या करना चाहिए, बताइए जरा। अमेरिका में तो क्या होता बताते, वो भी बताते आपको, न्यूयॉर्क में क्या किया जाता। एक बात समझ लीजिए, राहुल गांधी जी कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करेंगे, सिर्फ रघुराम राजन जी नहीं, अलग अलग ख्यातनाम लोगों से वो बात करेंगे और सरकार की सहायता करेंगे। बात जहां तक मरकज या तबलीग का है, तो मैं एक आपको बात साफ कर दूं कि जितनी निंदा की जानी चाहिए करनी चाहिए पूरे देश को, लेकिन इसमें जिम्मेदारी केंद्र की सरकार जी का की का और आम पार्टी की भी बनती है। मैडम गांधी का क्या बयान आया? एक मिनट तो सुन लीजिए, इसकी जिम्मेदारी क्यों, ये विषय सरफेस पर क्यों आया जानते हैं आप? क्योंकि 27-28 तारीख से, मार्च से, देश के सारे मीडिया ने दिखाना चालू किया कि हजारों मजदूर सड़कों पर हैं, और 29 मार्च को रात को अजीत डोभाल साहब मरकज में जाते हैं, मौलाना साध से मिलते हैं। मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की अभिरक्षा में है मौलाना साध, भाजपा को चाहिए कि पकड़े और आरोप निर्धारित करे, गिरफ्तार करे, क्यों नहीं करते? बिल्कुल आपका अच्छा वाजिब सवाल है सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन अभय जी, मैं अपने सवाल का इंतजार करूंगा, जवाब का इंतजार करूंगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं बोली अभी तक तबलीगी जमात पर? ये बताना पड़ेगा इस कार्यक्रम के अंत तक, क्यों नहीं उस पर बोला गया? क्या वो विलेन नहीं है जो पत्थर मारते हैं डॉक्टरों पर, उन पर क्यों नहीं बोला जाता?
सुधांशु त्रिवेदी, अगर ये आपकी गलती है, कांग्रेस कह रही है आपके संरक्षण में मौलाना साथ है, बड़ा आरोप है आप पर, जवाब दीजिए। मैं संक्षेप में इनको उत्तर दे देता हूँ। पहली बात तो अभय दुबे जी को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, 23 जनवरी का WHO का ट्वीट है, सारे दर्शक इसको चेक कर सकते हैं, उसने कहा कि यह मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं, जिसकी वजह से आज WHO बहुत गहरे संदेह के घेरे में और आरोपों के घेरे में। 11 या 12 फरवरी को WHO ने ट्वीट करके कहा कि हाँ ये एक महामारी है। अब आप सोचिए, भारत सरकार ने तो उसके एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर दी। और जो अभय दुबे जी कह रहे हैं, पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अन्यथा नहीं लेना चाहिए, जिस समय WHO ने घोषित किया फरवरी के महीने में, तो राजीव गांधी का क्या कहना है? जी, मैं अभी आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी तो विदेश में थे उस समय, तो भारत में थे ही नहीं, तो वो कौन सी प्लानिंग अपने चीफ मिनिस्टर्स को बता रहे थे और क्या कर रहे थे वगैरह। अब आता हूं मौलाना साहब पे, ये तो बड़ा हसीन आरोप इन्होंने लगा दिया। अरे भाई, अगर ये आरोप है तो आपको एकदम सारा, आपने जो कहा अमित जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सबको आज खड़े हो जाना चाहिए, भाजपा वालों के साथ है, ये मौलाना साहब को बाहर लेके आओ। अब तो आप उल्टा है, आप तो तबलीगियों के समर्थन में खड़े। अभी आप देखिएगा आपकी डिबेट में, जब मुजीबुर रहमान साहब अपने तबलीग की हर अनुचित बात का समर्थन करेंगे, तो अभय दुबे जी या तो मुखर समर्थन करेंगे या मौन समर्थन करेंगे, प्रतिवाद तो कतई नहीं करेंगे, केवल एक वाक्य में कहकर रस्मदाई कर लेंगे। अब आप बताइए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने ये बात कही तबलीगियों वाली, सिर्फ एक वाक्य कहूंगा, आजाद आगे नहीं, भारत इस समय एक दुनिया का विचित्र देश है। चीन को अलग रख दीजिए, चीन को आरोपों घेरे में और अलग व्यवस्था में है, चीन के बाद हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। जी जी, बड़ी खबर। 30% आबादी आज भी गरीबी की रेखा। अगले दो मिनट बाद मौलाना साथ कहां छुपा हुआ है हमारे पास, ये बड़ी खबर होगी अगले दो मिनट बाद। व्यूअर्स, काउंट डाउन बिगिंस 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ। कहां छुपा है मौलाना साथ, क्विकली रिस्पॉन्ड सुधांशु त्रिवेदी, 10 सेकेंड सुधांशु, देन अभय दुबे। देश है जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर और पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहा दुनिया में, और दुर्भाग्य की बात है कि सामाजिक और राजनीतिक लोग उनका प्रत्यक्ष अपरोक्ष समर्थन कर रहे हैं, ऐसी विचित्र स्थिति दुनिया में कहीं नहीं है। दुर्भाग्य से मोदी जी को वही फेस करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद हम सबसे बेहतर स्थिति में। ठीक है सुधांशु जी, अब दुबे बिल्कुल 40 सेकंड का समय आपके पास है। तबलीगी जमात पर कपिल सिब्बल ने एक बयान दिया, कहा देखिए ये डिटेंशन सेंटर की तरह है, ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है ये भी एक तरह से समर्थन था? पॉइंट नंबर टू, क्या आपको लगता नहीं है भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है, और विचित्र स्थिति इसलिए है कि हम इस पूरे कर्व को फ्लैट करने में अभी तक कामयाब रहे हैं, इसलिए दुनिया हमारी तारीफ कर रही है? देखिए अमीश देवगन जी, एक बात साफ समझ लीजिए कि ये जो कर्व फ्लैट दिखाई देगा आपको, उसकी वजह है कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इसकी भत्सना की जानी चाहिए, किसी ने भी अगर इसको फैलाने की दृष्टता की है, मगर मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं कि जब ये बात सामने आई कि 24 मार्च तक भारत की सरकार एक्सपोर्ट कर रही थी वेंटिलेटर्स और सैनिटाइजर्स, जब ये बात सामने आई, UNDP ने ट्वीट किया कि 9 लाख टन हमको भारत की सरकार ने PPE और सैनिटाइजर्स भेजे हैं, जब ये बात सामने आई कि एम्स की डॉक्टर ने और हरियाणा की डॉक्टर कक्कड़ ने कहा कि मेरी कब्र पर ये PPE भिजवा दीजिएगा अपर्याप्त मात्रा में N95 मास्क, तब जब मजदूर सड़कों पर हजारों की संख्या में देखे जाने लगे, तब सरकार ने पर्दा डालने के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस भीषण तब महामारी को भी बहुत बड़ी खबर, जैसा हमने आपको बोला था इस समय की बहुत बड़ी खबर, मैं रोकना चाहूंगा आपको, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा। मौलाना साथ कहां पर है, देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है, मौलाना साथ पर बहुत बड़ा खुलासा, पूरी प्रमाणिकता के साथ हम बता रहे हैं, जाकिर नगर में छुपा है मौलाना साद, दिल्ली का ये जाकिर नगर है, यहाँ छुपा है मौलाना साद, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं, इस समय ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना साद छुपा है, बहुत बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं, जाकिर नगर दिल्ली का एक इलाका है, वहाँ छुपा है मौलाना साद, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वहाँ छुपा है। और दूसरी बड़ी खबर मौलाना साद पर यह है कि 4 बार पुलिस भेज चुकी है नोटिस, कोरोना टेस्ट के रिजल्ट का वेट करा जा रहा है, लेकिन 7 का कोरोना पॉजिटिव होने का शक है, यानी कोरोना पीड़ित हो गया है 7,
इस समय की बड़ी खबर, कोरोना वायरस पॉजिटिव होने का शक है, इसीलिए रिपोर्ट को बाहर नहीं निकाल रहा मौलाना साद। उसने एक प्राइवेट अस्पताल से ये जांच कराई है, हमारी जानकारी के मुताबिक, इसलिए रिपोर्ट छुपाने का अंदेशा है। हम आपको सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, जो हमारे संवाददाता के सूत्र हैं उनके हवाले से इस खबर की जानकारी दे रहे हैं। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, मौलाना साद जाकिर नगर में छुपा है और कोरोना पॉजिटिव होने का शक है, अंदेशा है, बहुत बड़ी खबर। मैं सीधा तबलीगी जमात के प्रवक्ता का रुख करता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? अफसोस होगा आपको अगर कोरोना पॉजिटिव होगा, अगर पहले आ जाते तो शायद पता लग जाता, इलाज भी हो जाता। अमीश, मैं पहले तो बता दूं कि जैसे आप बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के उनको है, मुझे इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वो मरकज से पॉजिटिव हुए होते तो अभी 30 दिन से ऊपर हो चुका है उनको, तो ये अगर उनको हुआ होगा जैसे आप बता रहे हैं, मैं उसको नहीं कह सकता गलत है, अगर हुआ होगा तो भी हो सकता है हाल फिलहाल में कोई उनसे मिलने पॉजिटिव होने का शक है हो, तो उससे हो गया हो मे बी, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं मालूम, ये आप मुझे बता रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर पहले सामने आ जाते तो बच जाते ना? नहीं, अगर पहले आते तो पहले का तो है नहीं है, अगर ये पहले का होता तो अब तक तो 30 दिन गुजर चुके हैं। अगर उनको पॉजिटिव हुआ नहीं, होगा, आपने आपने बोला साहब तो छुपे ही नहीं है, हम बता रहे हैं जाकिर नगर में छुपे हैं, आपकी जानकारी में था ये जाकिर नगर में थे वो? नहीं है, नहीं छुपे हुए नहीं है, जहां भी है रह रहे होंगे, जहां पर भी है वो रह रहे होंगे, छुपे हुए नहीं है, मैंने कभी नहीं बताया कि छुपे हुए हैं। ठीक है, आपके दोस्त के पास चलते हैं, शदाब चौहान के पास। शदाब चौहान जी, कोरोना कैरियर पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, पहले मैं अमीश भाई, जो सुधांशु जी बड़े हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और बहुत मजबूती से उन्होंने बड़ा बचाने का प्रयास किया और इटली और अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, तो मौलाना साथ पर बोलिए एक सेकेंड, इटली पर नहीं, मौलाना साथ पर बोलिए। नहीं नहीं, उस पर जवाब दूंगा, लेकिन मैं ना ना, ना जो जो अभी हमारी खबर है उस पर आइए ना, आप इटली चले गए, चलिए इटली को मत सुनिए, आप सरकार की नाकामी ना सुनिए, मौलाना साद साहब को सुन लीजिए। मौलाना साद साहब के बारे में जो जानकारी आपने दी है, पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने आज तक ये नहीं कहा कि वो छुपे हुए हैं, और अभी तक 91 का नोटिस जो कि दिया जाता है कि आप आकर के वहां पर पेश हुआ, सब कोई दिया नहीं गया है, सारी जांच एजेंसियों को जानकारी है, और ये पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मौलाना साद साहब और तबलीगी जमात को ला करके डॉक्टर्स के मुद्दे को, मजदूरों के मुद्दे को किस तरीके से दबाया जाए। पीएम केयर फंड पीएम घोटाला फंड बन चुका है, खुद इस बात के प्रमाण है, खुद भाजपा के विधायकों को यकीन नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मौलाना साद साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो गुनाहगार। हाँ, कोई ऐसा काम नहीं किया, कोरोना देश भर में फैला दिया, कोई ऐसा काम नहीं किया, खुद कोरोना पॉजिटिव होने का उनके शक है, इसीलिए टेस्ट रिपोर्ट छुपाई जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी, बड़ा खुलासा, आर पार में बड़ा खुलासा। देखिए, शादाब चौहान और मुजीबुर रहमान ने जो कहा कि अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं, मैं छोटी सी बात कहता हूं, अगर मौलाना साद कहीं भी रहकर अज्ञात स्थान से अपना बयान जारी कर सकते हैं, अपना वीडियो जारी कर सकते हैं, तो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जारी करने में तो कोई समस्या नहीं। नहीं सुधांशु, क्योंकि पहले शक था ये मेवात में है, और उससे पहले शामली में पुलिस ने रेड भी किया था, उससे बाद शक हुआ ये मेवात में, हरियाणा के कई अखबारों ने छापा ये मेवात में छुपे हैं, लेकिन हमारी जानकारी है कि कल दोपहर को मेवात से मेवात में वो शायद थे, लेकिन उसके बाद वो मूव आउट करे हैं और किसी गाड़ी में छुप कर आए हैं, किसी गाड़ी में छुप के आए हैं, ये हमारी खबर है, किसी गाड़ी में छुप के मौलाना साद आए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मौलाना साहब कहाँ है वो एक बात है, अरे भाई तबलीगी जमात के प्रवक्ता ये तो कह सकते हैं कि मौलाना साहब अपनी रिपोर्ट जारी कर दें कि साहब हमारे कोरोना नहीं है, अब ये भी नहीं जारी कर रहे हैं। सरकार आपकी है तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते मौलाना साहब को? नहीं नहीं सुधांशु जी, मौलाना साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं जब दिल्ली के जाकिर नगर में है, तो दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, इस विषय पे पुलिस पूरी सतर्कता के साथ छानबीन कर रही है और बहुत लंबे समय तक वो नहीं बच पाएंगे। एक कारण ये भी होता है कि इस समय चूंकि लॉकडाउन है, गतिविधियां नहीं है, इस कारण से यदि कोई व्यक्ति कहीं पर छुप के बैठ जाए तो इस समय आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, यदि उसने इलेक्ट्रॉनिक बंद कर दिया हो और एक्टिविटी वाला,
तो वो जो मैनुअल सर्विलेंस होता है दोनों में समस्या हो जाती है इन चीजों को करने में, और इस समय पुलिस के पास और भी दायित्व है। इसलिए मैं बात मानता हूं कि अभी तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, परंतु ये बात आप समझ लीजिए गिरफ्तार होना न होना एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, मगर मौलाना साद का अपनी स्थिति स्पष्ट करना तो मॉरल इशू है, नैतिक इशू है। शादाब चौहान, शादाब चौहान, कोरोना कैरियर मौलाना साद पर आप क्या कहना चाहते हैं? जाकिर नगर में है, कल मिलना चाहेंगे आप उनसे? मैं तो ये कह रहा हूँ अमीर जी कि आपकी बात से सुधांशु जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं। आप एड्रेस बता रहे हैं और सुधांशु जी आपके चैनल पे ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि हम गिरफ्तार करेंगे। आप कह रहे हैं कल वो मेवात से आ गए, यानी कि इनकी सरकार, इनका इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये तो कलंक है कि दिल्ली की राजधानी में, इसका मतलब ये कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है। इसी वजह से सरकार आरोप प्रत्यारोप करके इसका धार्मिक इस्तेमाल कर रही है। कम से कम अमीश देवगन जी पर यकीन कर लो, न्यूज 18 पर विश्वास कर लीजिए सुधांशु जी। शादाब ऐसा है, उस पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस को कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर रही। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ। दूसरी बात जो आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को सांप्रदायिक, सांप्रदायिक कहां से हो गया भाई? मौलाना साहब मुसलमानों के प्रतिनिधि हो गए क्या? तबलीगी जमात मुसलमानों का प्रतिनिधि है क्या? अरे मुसलमानों के ऐसे तबके जो तबलीगी जमात से नफरत करते हैं। देख रहे हैं आप आज पर बहुत बड़ा खुलासा किया है न्यूज 18 इंडिया पर हमने कि मौलाना साद कहां पर है, जाकिर नगर में छुपा है मौलाना साद। इस समय की बड़ी खबर मौलाना साद पर बहुत बड़ा खुलासा, जाकिर नगर में छुपा है मौलाना साद, सूत्रों के हवाले से खबर है, और दिल्ली के जाकिर नगर में छुपा है, और साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव होने का शक है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि रिपोर्ट को लगातार छुपाया जा रहा है। मौलाना साद जमात का सर्वे सर्वा वहां तक पहुंच गया है। न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल जिसके पास जानकारी है मौलाना साद कहां पर है। और शादाब चौहान, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही थी? हंसने की क्या बात थी? मौलाना साद मुझे इसलिए हंसी आ रही थी अमीश भाई कि आपके चैनल ने जो मेहनत की है, जिस मेहनत की है और तलाशा है, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, वो आप चैनल पे बैठकर आपके चैनल की तारीफ करने तैयार नहीं है और ये कहने तैयार नहीं है। मैं आपको आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिन जमातियों को कोरोना वॉरियर कहते हैं, जो कोरोना कैरियर है, वो पत्थर मारते हैं, वो लाते मारते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको इस डिबेट के अंदर हाथ जोड़ के कहना चाहिए मैं कोरोना वॉरियर से माफी मांगता हूँ, ये कहना चाहिए आपको। उन जमातियों को आप कोरोना वॉरियर कहते हैं जो कोरोना कैरियर है, शर्मिंदा होना चाहिए आपको शादाब चौहान। मैंने अमीश जी, मैंने प्लाज्मा डोनर जमातियों को कोरोना वॉरियर, प्लाज्मा डोनर नहीं है, ना शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए तुमको। शर्म तो सरकार को आनी चाहिए, शर्म तो सरकार को आनी चाहिए कि मजदूरों को मरने का छोड़ दिया। सुधांशु त्रिवेदी, धनापे दुबे, आपे दुबे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है। सुधांशु जी, सरकार की तरफ से आप बात कह रहे हैं तो वाकई सरकार को, सरकार इस पे पूरी कार्रवाई करेगी सूचना के आधार पर भी, मगर उससे पहले तो तबलीगी जमात के तो नुमाइंदे बैठे हैं, इनसे पूछिए, या तो यहां बोले या ना बोले, पहले तो इनसे, और आप उनके हिमायती हैं और ये उनके जमाती हैं। दोनों से कोई बोल दे, ये तो प्रतिनिधि बन के, या तो प्रतिनिधि तो छोड़ दे, कह दे मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, और रिप्रेजेंटेटिव हो गए या तो ये बोले कि हाँ है वहां, या कहे हाँ नहीं है, पूछे उनसे, तो हंसने की बात तो वहां पर समझ में आएगी शादाब जी। नहीं सुधांशु जी, वहां है या नहीं है कौन जानकारी कैसे पब्लिक कर रहे हैं? अरे बताइए ना, जो तबलीगी जमात का प्रतिनिधि बैठा है वो पूछे उससे पूछा जाए है या नहीं, बताओ भाई। नहीं बिल्कुल, जैसे आप किस पार्टी के हैं तो किस पार्टी के प्रमुख कहाँ है ये आपको पता होगा, या आप पता करके एक मिनट में बता सकते हैं। निश्चित आप इस पे भी आप शको शुभ में है तो फिर आपका एक रिप्रेजेंटेटिव, उसी प्रकार में आपसे नहीं कर रहा, मुजीबुर रहमान से कह रहा हूँ, बताइए भाई। आप तो जमात के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जमात के प्रवक्ता हैं, आपको तो बोलना चाहिए, वरना आप नुमाइंदगी छोड़ दीजिए।
जी अब मैं एक सेकंड जमाती जी रुक जाइए पत्थर मारने के बाद मनमूत्र त्याग करने के बाद अब डिबेट के अंदर ये कांड मत करिए। एक कमिटमेंट तो लीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी से कि जब 218 इतना बड़ा खुलासा कर सकता है तो क्या ये गिरफ्तार करेंगे इनसे, ये आश्वासन तो लीजिए। ये कहते हैं भाजपा का काम नहीं है, पुलिस का काम है। अरे साहब, भाजपा का काम सिर्फ डिबेट में जिंदा रखना है पुराना साथ मुद्दे को या जमात के मुद्दे को। अरे आप अगर वारंट जारी किया है तो गिरफ्तार कीजिएगा, इतने दिनों तक सिर्फ पर्दा डालते रहेंगे, नहीं तो देश पूछेगा फिर। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 7,500 रुपए प्रति माह देना चालू कीजिए, 11.5 करोड़ मजदूरों को जो मनरेगा में रजिस्टर्ड है और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को 1,00,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई का जो पैकेज होते वो देना प्रारंभ कीजिए, नहीं तो ये बात होगी कि एमएसएमई के लिए आप कम से कम इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए, चाइना डंपिंग नहीं करे इसका प्रावधान ला दीजिए, तो फिर बुनियादी मुद्दों पर बात होने लगेगी। इसलिए सुधांशु नहीं चाहते हैं टोला ना साथ पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि ये डिबेट में इसको बता देना चाहते हैं तो से देश आने के लिए। जी 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 देखते के देखिए अभय दुबे आपने अपनी बात को कर लिया। सुधांशु 40 सेकंड। हाँ मैं एक बात कहता हूँ, जमातियों की मैं बोल सकता हूँ। जी 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 देखिए जमातियों की आरती नहीं उतारी जा रही हमारे यहाँ, जमातियों की तो विधिवत सेवा की जा रही है। जो गलत पाया जाएगा सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कार्रवाई कर दी है। याद करिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो और कड़ा कानून लाने जा रही है, केंद्र सरकार को लाना पड़ा। दुर्भाग्य है कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कोरोना से लड़ रहा हो जिसको कानून लाना पड़े, क्योंकि यहाँ कानून तोड़ने वाले नहीं, कानून तोड़ने वालों के हिमायती भी बैठे। और रही बात इसकी कि आप कह रहे हैं गरीब मजदूर, और इसकी बात मैं वैसे राजनीति का विषय नहीं था, चली दिया, मैं विनम्रता से पूछता हूँ। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपने कहा था बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 21 मार्च को लॉकडाउन लगा तब तक आपकी सरकार भले 1.5 साल हो चुके, दे दिए थे क्या? बताइए दे दिए थे, काहे नहीं दिए अभी तक? अरे तो देखते 22 लाख किसानों का कर्जा माफ कर चुके थे हम। अरे भाई, अरे सुनिए, अरे सुनिए, बेरोजगार युवकों के बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ कर दिया। एक सेकेंड फिर बड़ी खबर का रुख करता हूँ। मौलाना साहब कहाँ छुपा है? मौलाना साहब जाकिर नगर में छुपा है, कोरोना पॉजिटिव होने का शक है। जब से खबर पता लगी है मुजीबुर रहमान काफी परेशान है। मुजीबुर रहमान आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं अमीश, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। अगर मौलाना साहब को तकलीफ होती है, उन्हें कोरोना होता है, तो आपको कोई आपको बिल्कुल परेशान नहीं है? आप कैसे फॉलोअर हैं? कैसे फॉलोअर हैं? नहीं नहीं, आप गलत तरीके से बात को ले रहे हैं। मैं कहा कि उनको 30 दिन हो गए मरकज से आए हुए, उनको का कोरोना पॉजिटिव हो गया, सिम्टम्स सामने आ चुके होते, अब तक उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ चुकी होती, उनको अब तक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ चुकी होती अगर उनका कोरोना पॉजिटिव। कमाल है अजय आलोक, ये कह रहे हैं कि अभी तक उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई होती, ये उनको वेंटिलेटर पे भी भेज रहे हैं और ये परेशान भी नहीं है, ये खुद जमात कैड बनना चाहते हैं लगता है। ठीक है, चलिए मोहम्मद साद साहब को नहीं पकड़ा गया। भाई मोहम्मद साद साहब तो अभी तक आतंकवादी घोषित नहीं ना है, चलिए नहीं पकड़ा या पकड़ लिया दिल्ली पुलिस का काम है, लेकिन मोहम्मद साद साहब आतंकवादी तो नहीं है भाई। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है ना जिसने आतंकवादियों को जेल से छोड़ दिया था बाकायदा लीगल तरीके से, तो इसलिए आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। नंबर वन। नंबर दो, आपने कहा कि राज्य सरकारों ने क्या इंतजाम किया, क्या जवाब देंगे आप कि हमारी सरकार बिहार सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी राज्य के बाहर 19 लाख लोगों के अकाउंट में 1,000 रुपए भेजे हैं, क्या आपकी किसी कांग्रेस सरकार ने राज्य के बाहर किसी कर्मी की या श्रमिक या मजदूरों के अकाउंट में पैसे भेजे हैं? जरा हाँ या ना बताइए। तो बड़ा राज्य सरकार का प्लान कर रहे थे कि हमने प्लान करके लॉकआउट किया, 13 तारीख को एक एक निर्णय हमने कर लिया था, 24 तारीख से लॉकआउट शुरू हुई है। काम धाम करना नहीं है, सिर्फ यहाँ क्रिटिसिज्म करना है। दिल्ली पुलिस को काम करने दीजिए।
वो कब गिरफ्तार करती है, नहीं गिरफ्तार करती है, इससे राजनीतिज्ञों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन के बीच में मत आइए। अर्शाद साहब कोई अभी अपराधी घोषित नहीं हुए हैं, उन पर आरोप लगा है, आरोप साबित कोर्ट करेगा, हम आप बैठ के नहीं करेंगे, और जब गिरफ्तार होना होगा वो हो ही जाएंगे। कम से कम वो आतंकवादी को छोड़ने वाला ट्रैक रिकॉर्ड एनडीए सरकार का नहीं है जो कांग्रेस की सरकारों में होता था। लोग बड़े प्रवक्ता अबे दुबे, मौलाना मसूद अजहर कौन थे, आपके दोस्त थे? अरे 2009 में आइए ना, 2009 में आई, 11 में आइए ना, किसने बकायदा आतंकवादियों को लिस्ट बना के छोड़ा था, किसने छोड़ा था? वाजपेयी साहब, एक दो नहीं 11, वो भी 2009 मुंबई हमलों के बाद आपने आतंकवादी छोड़े। मौलाना मसूद अजहर कौन, इससे ज्यादा घृणित कोई हरकत होगी? मुंबई हम लोग का बदला लेने की जगह आपने आतंकवादी छोड़ दिया था। तय करेगा किस लिए आरोपी है कि नहीं है, मतलब ये अभी तक उनको आरोपी अपराधी नहीं मानते। ये बात आज बहुत बड़े उस चैनल पर साफ हो गई कि अजय आलोक सबसे बड़े प्रवक्ता है मौलाना साहब के। अरे अपनी बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी मौलाना साहब को तो शिकंजा कस चुका, ईडी अपना काम कर रही है, इनकम टैक्स अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, एनआईए अपना काम कर रही है, परेशानी आपको क्यों हो रही है मौलाना की गिरफ्तारी से? इतने बड़े मौलाना की गिरफ्तारी से परेशानी आपको क्यों हो रही है? आतंकवादी छोड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना आपका? इस पर स्पष्टीकरण दे भारतीय जनता पार्टी। आतंकवादी छोड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड इनका, स्पष्टीकरण दे। आज बताइए ना, शरम बेच के खा गई है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को बोला गया सुधांशु, हाँ आपको अभय दुबे जी, अजय आलोक जी की बाद में कहां से मौलाना साहब के प्रवक्ता नजर आ गए? हाँ समझ सकता हूँ आप, अरे आप, अरे भाई अभी तो बेटी सुनिए, अरे भाई मैं तो अभी अपनी टर्न, अरे भाई आपके लिए तो आपकी दृष्टि तो बड़ी दिव्य दृष्टि है, आरोपी जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित अपराधी हो चुका हो अफजल गुरु, उसको आपके नेता कहते हैं। अरे आज की बात की थी, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, इशरत जहां को बिहार की बेटी थी, सुनिए। और इतना ही नहीं, जाकिर नायक शाह का मसीहा था, अबे तुमने बीबी से मत बोलिए, हाफिज तो साहब था, ओसामा तो जी थे, आपका तो ऐसी कथा अनंता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो आपकी दृष्टि मैं, अगर आपको अचानक ये लग गया अजय आलोक ने बोला कुछ और आपको कुछ नजर आ गया, क्योंकि चश्मा आपके नजरों पर चढ़ा हुआ, आपने मसूद अजहर की बात कही, मैं दो बात रखना चाहता हूँ। अरे सुनिए दुबे जी अरे सुनिए, आपने बात रखी मसूद अजहर की, मैं कहना चाहता हूँ जब मसूद अजहर को वापस भेजा गया तो सर्वदलीय समिति में सोनिया गांधी ठीक नहीं बोलिए, हाँ अरे हाँ या ना, और अगर ना है, अगर हाँ है तो क्यों नहीं शुरू किया? बताइए मौलाना साहब, ये होती है राजनीति। तो शुरू से यह आरोप लगाया था मसूद अजहर, भारत के संसद के हमले का मुख्य आरोपी था, संसद के हमले का आरोपी अफजल गुरु को 7 साल तक फांसी की सजा नहीं हुई, तो जिन सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान दी थी उनके परिवार वालों ने बेडल लौटा दिए, मगर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं आए, बोलिए ना कारनामे पे आंखों में आंसू नहीं आए, आंखों में आंसू आए बटाना उसी काउंटर पे, इसलिए आपकी आंखें, आपकी नजर और आपके नजारे पूरी दुनिया को पता है, और उसके साथी संगठन मौलाना साहब को अपराधी और आरोपी नहीं मानते। देखिए जब से मौलाना साहब पे खबर आई है, मेरी नजर सिर्फ मुजीबुर रहमान पर है। मुजीबुर रहमान, या तो आप खुद तबलीगी जमात के हेड बनना चाहते हैं और मौलाना साहब को वेंटिलेटर पे पहुंचाना चाहते हैं, या आपकी कहानी कुछ और है? नहीं, आपने बोला अभी तक वो वेंटिलेटर पे तो पहुंचे नहीं है, आपने बोला अगर वो बीमार होते तो अभी तक तो वेंटिलेटर पे पहुंच जाते, तो मतलब वो अगर मुकाबला कर रहे हैं बीमारी का, अगर वो बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अभी पता नहीं जिंदा कैसे हैं। अटकल लगाते रहिए, आपका काम है अटकलें लगाना, आप अटकलें लगाइए, देश को गुमराह कीजिए, उसमें सच और झूठ जो भी होगा वो पता चल जाएगा। अच्छा, मैं बिल्कुल मैं सच की बात बताता हूँ, बिल्कुल 14 दिन जी ना, 14 दिन का होता है जनाब, अब तो 28 दिन हो चले, कंप्लीट हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ये आपकी अटकलें हैं और कुछ नहीं उससे ज्यादा। ठीक है, अजय आलोक पहले तो इन्होंने बोला अभी तक अगर वो बीमार होते तो वो तो सीधा वेंटिलेटर पर चले जाते, लेकिन इनको पता नहीं है सिर्फ 2% से 3% मरीज जाते हैं वेंटिलेटर पर,
और ईश्वर ना करे, भगवान राम ना करे कि मौलाना साहब जाए वेंटिलेटर। तीस दिन कितने पर मौलाना साहब ने देश के लिए बहुत बुरा किया है। इनको तो ये भी इनको तो जी अजयरो इनको तो ये भी नहीं पता था कि मौलाना साद साहब के कारण देश में कोरोना के केसेस 30-35% बढ़ गए, क्योंकि उस वक्त ये छाती ठोक के कहते थे कि 30-35% अगर मौलाना साहब की वजह से बढ़े तो बाकी 70% कहां से आए। ये तो बेशरम आदमी है, इनसे आप बात ही क्यों करते हैं? ये इनसे बेशरमों से बात करने की जरूरत क्या है? मौलाना साहब जाएंगे कहां? आज तक कोई भाग पाया है? आज तक कोई भारत के कानून से भाग पाया है जो ये भाग जाएंगे? कांग्रेस को बड़ी चिंता लग रही है इनको कि मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब आरोपी नहीं है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं घूम फिर के, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनका एक ही मकसद है देश में अव्यवस्था फैलाना। नहीं देखिए बिहार के अंदर छोड़िए, बिहार के अंदर को तो सबको हमने पकड़ के क्वारंटाइन कर लिया, किसी को छोड़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने डॉक्टरों का कपड़े पकड़े, 88 पकड़े गए, 19 को जेल में भेज दिया जो विदेशी थे, उनके साथ क्या करा ये बताइए? विदेशियों को भेज दिया आपके तबलीगियों के, उनके साथ क्या करा आपने ये बताइए ना? 19 को जेल भेज दिया, यहाँ पे हिम्मत नहीं है करने की, यहाँ पे हिम्मत नहीं है उपद्रव करने की, एक बार किया था अब करके देखे ना। नहीं एक बार नहीं, कई जगह हो चुका है, उपद्रव किया था अब करके देखे, ऐसा कई जगह है जेडीयू के दिखाइए ना आए गए हैं। अच्छा आप एक बार आप बोलिए, आप एक बार फोन करके कि फिर से उपद्रव करो फिर बताते हैं आपको। नहीं ये बताइए ना, सत्येंद्र फोन करके बोलिए अपने लोगों को कि जरा उपद्रव करो पुलिस हेल्थ वर्कर के साथ, बोलिए बिहार में फोन करके बोलिए सबको। जेडीयू के नेता है उसके साथ आपने क्या करा देश को बताइए। मैं मुझे बोले मेहमान जरा एक तो जानकारी दीजिए, मौलाना साहब से मैसेज पे बात हुई आपकी अभी थोड़ी देर पहले, हुई है क्या? मैंने आपको बताया नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये आप जो है अटकल लगा रहे हैं, आपके अच्छा काम है, अच्छा, आप मुझे आप ही बताइए कहाँ पर है फिर मौलाना साहब, आपको पता है? मैंने आपको पहले भी बताया था हिंदुस्तान के अंदर किसी समर जमीन पर इसी सरजमीन पर रहेंगे, यहाँ के कानून की इज्जत करते हैं, यहाँ के कानून को पेश करेंगे। कोरोना की रिपोर्ट मंगवाइए उनकी, मंगवाइए रिपोर्ट उनकी कोरोना की, जैसे रिपोर्ट आएगी फौरन, जैसे मुझ तक पहुंचेगी मैं आपको फौरन पहुंचा दूंगा। हाँ मुझ तक पहुंचेगी तो मैं तुम्हारे तक पहुंचा दूंगा, आप तक तो अभी तक मौलाना साहब नहीं पहुंचे क्वारंटाइन होने के बाद। एक सेकेंड, हाँ मुसलमानों की बात नहीं है, मौलाना साहब इज इक्वल टू मुसलमान नहीं है, सुन तो लीजिए, तबलीगी जमात इज इक्वल टू मुसलमान नहीं है, ना 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 ना, ये नैरेटिव नहीं चलने तक आमिर अफगन। नहीं 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 अमीर जी, हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई एक वर्ग जो है इस कोरोना की जगह मुसलमानों से कोरोना की आड़ में लड़ना चाहता है। बहुत बढ़िया, हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। एक वर्ग तबलीगी जमात एक वर्ग नहीं है, तबलीगी जमात कोरोना का कैरियर है, तबलीगी जमात ने अन्याय किया है भारत वर्ष के साथ, भारत के साथ अन्याय किया है, जिस थाली में खाया उसी से छेद करा है तबलीगी जमात ने, तबलीगी जमात को खुदा इस गुनाह का इस पाप की सजा देगा, भगवान राम इस पाप की सजा देंगे। राम का अपमान कर दिया इन्होंने, हाँ राम का अपमान कर दिया, राम का अपमान कोई नहीं कर सकता, राम की मर्यादा बहुत बड़ी है, राम का नाम अपने मुंह से ना लो, चला क्यों है राम और वासुदेव का नाम अपने मुंह से ना लो। सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकेंड, अभी मुजीबुर रहमान ने कहा कि उनकी मौलाना साहब से बात नहीं होती, मगर मौलाना साहब की बात करने के लिए रोज वो सभी टीवी चैनल पे उपस्थित रहते हैं, गजब की बात है भाई। और आप भी आमिर चीन से क्यों पूछ रहे हैं? अरे इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। अब रही बात इनकी, जो शादाब चौहान ने कहा कि साहब मुसलमानों के ऊपर बात आ गया, अरे भाई जमाती है। शुक्रिया 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 शुक्रिया, समय इतना ही है, अब फिलहाल इतना ही, नमस्कार।